नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं आदेश पुरी। कल यानी कि गुरुवार को पिछले दिन रिजल्ट का दिन रहा। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा दो महत्वपूर्ण परीक्षा के फाइनल रिजल्ट घोषित किए गए, तो वही देर रात बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी के द्वारा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा बता दें आपको कि रेंज ऑफिसर जो कि वन क्षेत्र में जिनका फिजिकल हो चुका था, इन दोनों का इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया। आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें दिया गया है कि 212 पदों पर जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर जो कि परिवहन विभाग में भर्ती होना है, 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया और अभी तक ये परीक्षा चल रही है। आपको बता दें कि 1,80,000 के आसपास कैंडिडेट जो है वो इस परीक्षा के पीटी में, जो कि 16 जनवरी जो कि आपको बता दें कि 6 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी और 16 जनवरी 2021 को इसका परीक्षाफल प्रकाशित हुआ। प्रारंभिक परीक्षा में 4599 कैंडिडेट सफल हुए, जिनका मुख्य परीक्षा 29 अगस्त 2021 को लिया गया और अंतिम परिणाम 9 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया, जिसमें 1493 कैंडिडेट सफल हुए हैं और 1493 सफल कैंडिडेट का जो है उनका फिजिकल कराया गया संजय गांधी जैविक उद्यान में 13, 14, 15 और 16 मई 2022 को, और अंततः 1119 कैंडिडेट जो हैं वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। और आपको बता दें कि इनके लिए अलग से सूचना दी जाएगी कब इनका इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट देर रात घोषित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के 43 पदों के लिए भी आपको इंटरव्यू के लिए डेट घोषित किया गया है और इनका इंटरव्यू जो है वो 24 सितंबर 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक आयोग के कार्यालय में लिया जाएगा। 327 कैंडिडेट जो कि फिजिकल दिए थे 12 मई 2022 को संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में, उनमें सेलेक्ट हुए हैं 327 लोगों में से 327 लोग फिजिकल दिए हुए थे, जिसमें से 229 लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनका अंतिम सूची दिया गया है, जिनका रिजल्ट घोषित किया गया है और आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, कल रात को ही घोषित कर दिया गया है। और इनका फिजिकल जो है 24 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2022 को आयोग के ऑफिस में लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि हमने ही कुछ दिन पहले इन सभी परीक्षाओं को लेकर एक वीडियो किया था जिसमें छात्र नेता दिलीप भी थे और इसमें हमने प्रश्न उठाया था कि आखिर इन लंबित परीक्षाओं का रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा। और देखिए कि उसके दो दिन बाद ही मंगलवार को हमने ये वीडियो किया था और गुरुवार को ही सीएसबीसी के वनपाल और वनरक्षी दोनों पदों के लिए अंतिम रिजल्ट घोषित किया गया। तो वही इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर और जो रेंज ऑफिसर हैं फॉरेस्ट के लिए, उनका दोनों का जो इंटरव्यू होना है उनके लिए अंतिम सूची जो है कल बीपीएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको इंटरव्यू देना है उन सभी को शुभकामनाएं कि वो इंटरव्यू दे और उनका सिलेक्शन हो। लेकिन अभी आपको बताएं कि ईएसआई के इंटरव्यू के डेट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आशा ये है कि अक्टूबर में इनका इंटरव्यू लिया जा सकता है। काफ़ी लंबा समय दिया गया है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि 2213 बिहार दरोगा रिजल्ट की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और जो संभावनाएं हैं उसके मुताबिक कि 10 जुलाई तक मैक्सिमम 10 जुलाई तक रिजल्ट दिया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।